नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग इस समय अयोध्या में हैं। भाई साहब महेंद्र जी हैं, महेंद्र नाम है सर, महेंद्र त्रिपाठी नाम है इनका। तो महेंद्र जी हैं, महेंद्र जी को आपने ललन टॉप एक दूसरे वीडियो में देखा होगा, इनकी झलकी आपको मिली होगी और वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हुआ और हम लोग इनके इस छोटे से ऑफिस में चले आए जहाँ पर हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं इनसे। बातचीत ये है कि महेंद्र जी उन कुछ चुनिंदा इक्का दुक्का जर्नलिस्ट में से हैं जिन्होंने 1990 का कारसेवक गोलीकांड और 92 का बाबरी मस्जिद विध्वंस दोनों ही रिकॉर्ड किया है और रिपोर्ट किया है। आप फ्रीलांसर पत्रकार थे ना सर उस समय? जी, मैं तो मतलब जिस समय 90 गोलीकांड हुआ था उस समय भी मैं प्रेस फोटोग्राफी और पत्रकारिता करता था। वैसे मैं 82 से कर रहा हूँ पत्रकारिता में कार्य, लेकिन चूंकि ढांचे के नीचे ही स्टूडियो था और पत्रकारिता मैं करता ही था, तो 90 जब गोलीकांड का वक्त हुआ तो मुझे, अच्छा मतलब बाबरी मस्जिद जो हो गया, अब 90 गोलीकांड का जो समय हुआ है वो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो उसमें ये माहौल बना कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा। तो कारसेवकों में एक ऐसा संदेश गया कि ऐसी कौन सी सरकार है जो अयोध्या आने से रोक रही है। तो जब ये ऐलान हो गया कि नहीं, कारसेवा में उस कारसेवक पहुँचेंगे, तो अशोक सिंघल जी के आह्वान पे और तमाम विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आह्वान पे यहाँ पे लाखों कारसेवक जो है इकट्ठा हो गए। 30 अक्टूबर को गोली नहीं चली, 2 नवंबर को गोली चली। तो 30 अक्टूबर को कारसेवक बताते हैं 30 अक्टूबर को भी चली है। अब ऐसा है कि चली है तो वो प्रमाण भी उन्हीं के पास होगा, ठीक है। 2 नवंबर को जो चली है वो चूँकि हमने अपने कैमरे में कैद किया है, खींचा है, और हमारे ही कैमरे से वो कोठारी बंधु जो कोलकाता घोष लेन के थे, हीरा लाल कोठारी और सुमित्रा कोठारी, उनके मतलब उनके माँ पिता का नाम था और दोनों लड़कों का नाम था राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी को 30 अक्टूबर को ये लोग शांतिपूर्वक राम नाम धुन करते हुए वो रामलला के गुंबद पर चढ़ गए थे और वहाँ विजय फताका उन्होंने फहराया था। तो मेरी मुलाकात पूर्वक चढ़ गए थे, तो मेरी मुलाकात हो गई थी उन लोगों से, तो मैंने उनसे परिचय पूछा तो उन लोगों ने अपना परिचय बताया, क्योंकि वो सब दोनों स्मार्ट लग रहे थे। ये तो आपने उस दिन उस वाले वीडियो में बताया भी है। जी जी, अब आपको जो पूछना होगा। तो ये एक एल्बम है मेरे पास, अब एल्बम का ज़माना नहीं दिखता है, एल्बम अब नहीं बनते हैं, बिकते हैं ज़्यादातर शादियों ब्याहों के, वे बन जाते हैं तो बन जाते हैं। तो इस एल्बम में कुछ नायाब तस्वीरें हैं और महेंद्र जी बताते हैं कि ये तस्वीरें उन्होंने क्लिक की हैं और उसके बाद देश दुनिया के संस्थानों में वो तस्वीरें गईं। इसको जब खोलते हैं, सर मैं खोल रहा हूँ इनको, ठीक है। और इसमें सबसे पहले महेंद्र जी का राम जन्मभूमि पास पड़ा हुआ है, आपका नाम है, व्यवसाय है, ड्यूटी समय लिखा हुआ है और पास जारी करने की तारीख भी है, असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक की फैज़ाबाद के उनका साइन है। दुकान खुलने से बंद होने तक, अब चूंकि एकमात्र हम ही जो है अर्थराइज थे, किसी का कैमरा, किसी मीडिया कर्मी का कैमरा अंदर नहीं जाता था, तो हम प्रशासन का, शासन का और विश्व हिंदू परिषद का भी जितना भी फोटोग्राफी होती थी हम करते थे, क्योंकि ऑफिस उन्होंने ही हमको दे रखा था। अच्छा, तो ये दूसरी तस्वीर अशोक सिंघल, अशोक सिंघल आपको सम्मानित कर रहे हैं इस तस्वीर। अशोक सिंघल जी ने हमको 92 में सम्मानित किया था, चूँकि जब जब उसकी खुदाई होती थी परिसर की, तो जब मूर्तियाँ उर्तियाँ निकलती थी तो ये होता था कि अरे ये मूर्तियाँ, तो तमाम ऐसी मूर्तियाँ निकली थी जिससे ये साबित होता था कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं मौजूद और ये राम मंदिर है। लेकिन जो है मुकदमा इतना लंबे वर्षों तक चला, जिस वजह से जो है ये कभी साबित नहीं हो पाता था कि राम मंदिर है, तो सारे साक्ष्य ये हमारे जो है न्यायालय में विश्व हिंदू परिषद के जरिए दाखिल किए गए थे। आपका स्टूडियो वगैरह भी है, श्री राम जन्मभूमि आउटडोर कलर स्टूडियो। जी जी, ये मेरा स्टूडियो है और ये मैं खड़ा हूँ, और ये हीरा लाल कोठारी और सुमित्रा कोठारी यानी जो कोठारी बंधुओं के माता पिता हैं, ये हैं, चूँकि जब गोली कांड में वो लोग दोनों लड़के शहीद हो गए थे तब ये लोग जब बराबर आते थे तो मेरे पास बैठते थे, बैठ के हालचाल पूछते थे, वहीं रोते थे। उनकी मृत्यु की बात की, मृत्यु की बात की है, चूँकि आते थे रामलला से कहते थे मंदिर कब बनेगा, मेरे लड़के चले गए, दो दो लड़के बलिदान हो गए, इसलिए आते थे ये लोग और आपसे जो मिलते थे। और मैं उस समय के ये जो है जिलाधिकारी नेतराम हैं और SSP ब्रिजमोहन सरस्वत हैं, देखिए मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये एक यादगार के लिए उन लोगों ने भी मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई थी,
ये 90 के 91 के आसपास की है, और ये भी रामलला के दरबार के अंदर की है। तो इसमें भी SSP साहब, ये तो वो ये स्ट्रक्चर है ना, ये तो जी जी, ये तो मस्जिद वाला पूरा जी जी, ये अंदर का ही है। जब गिरा टूटा नहीं था तब, तब अंदर से ऐसा दिखता था। समय के ये देखिए जिलाधिकारी नेत्राम है, ये SSP है ब्रिजमोहन सरस्वत है। तो ये तस्वीरें हैं, और आगे आप देखें, और ये सबसे टॉप मोस्ट फोटो है इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी हैं ये, जब वो रामलला के दरबार में आए थे, और जो है उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो कोई एकता यात्रा उन्होंने निकाली थी, तो उन्होंने जो है राम उत्सव था, तो उसमें रामलला के दरबार में आया था। तो हमने ही उनकी तस्वीर खींची थी, जो देश विदेश के चैनलों पर चली है जब वो आ रहे थे 5 अगस्त 2020 को। चूँकि उन्होंने उस समय मेरे सामने ही एक एक प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया था कि मंदिर जब बनेगा तभी दोबारा अयोध्या आऊँगा। तो 29 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लेकिन अपने संकल्प संकल्प लिया था उन्होंने जी जी। तब ये फ़ोटो चूँकि मेरे पास थी, तो मैं लंबे समय से सोचता था कि लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं, दो दो बार प्रधानमंत्री बन गए अयोध्या आते क्यों नहीं है। तो मैंने ही फिर आज तक पे जो है अंजना ओम कश्यप सबको मैंने इंटरव्यू दे के बताया था। उन्हीं की तस्वीर है, इधर विनय कटियार हैं क्या, ये विनय कटियार पटियार जी हैं, इधर उमा भारती हैं ऊपर। हाँ, उमा भारती जी, उमा भारती जी के साथ मैं खड़ा हूँ। किसी ने खींची है आपके कैमरे से तस्वीर जी जी। दर्शन पूजा करने जा रही हैं क्या वो? नहीं, वो कार सेवा के दौरान उन्होंने अपना सर मुड़वा लिया था। अच्छा, तो उस समय की तस्वीर है ये। ये कल्याण सिंह के साथ सिंह जी हैं, जब उन्होंने सत्ता अपनी छोड़ी है तो अयोध्या दिगंबर अखाड़े में आए थे, तो उस समय की तस्वीर है। ये हेलीकॉप्टर है मस्जिद के ऊपर, ये हेलीकॉप्टर है, चूँकि 90 गोलीकांड जब हुआ तो हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा था कि इसमें मुलायम सिंह जी आए हैं, गोली चलवा रहे हैं, जबकि पता चला था कि कोई फोर्स के लोग थे, तो वो लोग वो ऊपर से कोई दिशा निर्देश हो रहा था, लेकिन गोली चली थी, और जिससे जो है तमाम जो है इस तरह की घटनाएं थी। अशोक सिंघल जी हैं, ये मंदिर राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत परमहंस रामचंद्र दास हैं, जो उस समय के न्यास के अध्यक्ष थे। हाँ, रामकथा कुंज की है, रामकथा कुंज है, जहाँ वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। और ये सारी 92 की तस्वीरें अधिकतर, ये तो विनय कटियार जी हैं। हाँ, विनय कटियार जी फावड़ा लेकर लिए हैं, सेवा कर रहे हैं। ऊपर भी ये शिलान्यास स्थल है राम मंदिर का, ये रामलला के अंदर की तस्वीर है, उसकी जो पहले की थी। अच्छा, मतलब ये जेरी दिखा सकना अगर, तो अगर व्यूवर्स ध्यान से देख सकें, ये इधर ऊपर ये मस्जिद की मेहराबें वगैरह दिख रही हैं ऊपर की तरफ ना, वो पीछे जो है इधर ना। अब ये आडवाणी जी हैं, जब 91 के आसपास वो आए थे तो रामलला के परिसर में जो है निरीक्षण उच्छण अपना कर रहे थे, तो उस समय की तस्वीर ये, मैं देखिए मैं कैमरा लेके भी खड़ा हूँ। तो और ये 6 दिसंबर 92 की ही है तस्वीर, जब लाखों कार सेवक जो है रामकथा कुंज के पास हैं मौजूद, और ये एम्बुलेंस है जो वहाँ पर खड़ी है, और ये सब उसी समय की है। ये राजमाता सिंधिया जी हैं, उस समय जो है वो भी कारसेवकों को संबोधित कर रहे हैं जी। मेरी ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ कलर्ड में है। ये सबसे महत्वपूर्ण फोटो है, जो शायद किसी के पास नहीं है, चूँकि मैंने ही खींची थी, दुर्लभ चित्र है। अच्छा। ये मीर बाकी का पत्थर है। अच्छा। और उस समय शिवसेना के विधायक थे पवन पांडे जी, जो उसको उखाड़ के ले जा रहे थे, तो हमने उनका पीछा करते हुए तस्वीरें खींची थी। बाद में इसी तस्वीर के जरिए वो CBI ने उनको अरेस्ट भी कर लिया, चूँकि माया मनोहर कहानियां पत्रिका जैसी उसमें हमारी फ़ोटो छप गई थी, तो CBI ने उनको अभियुक्त बनाया, तो ये मुकदमा चला। अच्छा। और इसमें हमको भी उनके खिलाफ गवाह बनाया था, गवाह बनाया था। मैं तो ये सारी विध्वंस की तस्वीरें हैं, इसमें अधिकतर आप तो देखी हुई हैं, क्योंकि आप ये सब आपकी खींची हुई हैं, और ये सब आपके ही जरिए बाहर गई। अब ये इतनी बची हैं, चूँकि इतना लंबा कार्यकाल हो गया, तो चूँकि तमाम मीडिया के लोग आते रहते हैं, तो मुरली मनोहर जोशी जी हैं, हमारी तस्वीर है। हाँ, तो ये सब है उसी समय की। ये तो आपके चिन्मयानंद जी हैं, तो चिन्मयानंद जी महाराज जो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, शाहजहांपुर वाले। वो अच्छा, जो जिन पर केस वेस चल रहा है, आडवाणी हो गए जी। सारे विध्वंस की तस्वीरें हैं।
क्या लगता है? ये राम चबूतरा पहले जो था वहाँ पे रामलाल दरबार में, जो कि ये भी दुर्लभ चित्र है, मिलने वाला नहीं है राम चबूतरा, चूँकि यहीं पर अखंड पाठ बराबर हुआ करता था। अच्छा महेंद्र जी, आप तो पत्रकार हैं सर जी, तो ये सब क्या है, मूर्तियां निकलती? मूर्तियां अपनियां जब निकली थी हाँ। तो यही सारे जो है सबूत न्यायालय में दाखिल किए गए थे, जिससे ये सब भी कहा जाता है ना कि बाद में कोई मूर्तियां दबा दिया गया था, तब ये सब भी आरोप लगते हैं ना, मतलब दुनिया भरी कहानियां चलती हैं इसके आसपास। क्या होंगी, फोटो और कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते, और आज भी ये मूर्तियां जो है यहाँ के रामकथा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल उस समय के डीएम है, ये श्रीवास्तव जी थे, अब याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ था, ऐसे तो विनय कटियार जी हैं। ये रामलला का ही है, और जब केसरी नाथ त्रिपाठी जी जो विधानसभा अध्यक्ष हुए थे तब वो दर्शन करने आए, तब की है ये। ये सारी चीजें उसी समय की हैं आपको। अच्छा, इतना सारा लोग फावड़ा कुदाल, मतलब एकदम प्री प्लांट था कि नहीं उस दिन का विध्वंस, क्या कहते हैं? अब ऐसा है कि लोगों में जो है एक थी तो कि जो है ये विवादित चीजें हैं अगर हट जाएं तो लोगों का ये गुस्सा शांत हो जाए, तो कार से भी उग्र हुए हैं। अच्छा, ये देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, वो भी आए थे, ये देखिए खड़े हैं तस्वीरों में। अब ढांचा नहीं गिरा, नहीं 90 के आसपास का है जी, 90 के आसपास का जी जी, शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उस समय इनकी भी तस्वीरें खींची थी। ये तो राम मंदिर के महानायक महंत परमहंस रामचंद्र दास जी हैं, दिगंबर खड़ा जी जी। ये सारी वही मूर्तियां हैं जो सब निकली हैं खुदाई में, एसआई वाली जी 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 जी। ये वो शिलान्यास स्थल है, ये शेषा अवतार मंदिर जो पहले वहाँ मौजूद था वहाँ का है ये, शेषा अवतार जी, लक्ष्मण जी का मंदिर। अच्छा, ये सब तो नित गोपाल दास जी महाराज हैं जो, नहीं कारसेवक नहीं, वो शिलान्यास स्थल का ही है ये जी, राजमाता सिंधिया जी हैं। ये सर कौन कौन है इस वाले ऊपर वाले में? ये तो जोशी जी हैं, ये उस समय डीजीपी हुआ करते थे, बाद में सांसद हो गए थे। अच्छा, क्या नाम था इनका, द्विवेदी जी क्या नाम था, याद नहीं आ रहा। ब्रजभूषण सर जी जी, कार सेवा में उद्बोधन कर रहे हैं। ये अटल बिहारी जी की सभा थी दिल्ली में, तो मैंने वो कवर किया था। अच्छा, ये अनुकृति लगी हुई है जी जी जी, तो जो है उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब की तस्वीर है। सिंगल जी बराबर आते रहते थे ना जी जी। अब ये 90 गोलीकांड, ये 90 गोलीकांड जी, ये कहाँ किस जगह की तस्वीर, आपने खींची है ना, कहाँ की तस्वीर है? ये तो खींची है, ये तो रामलला के जो मंदिर है उसी के आसपास की है। पुलिस वाले बैठे हैं, गोली चल रही है, 303 है जी जी। और ये तो हनुमानगढ़ी के आसपास की है, जो 2 नवंबर 1990 को गोली चली, ये लाल कोठी के आसपास जी जी जी, लाल कोठी ये मार्ग लिखा हुआ है यहाँ पे जी जी, कोने में, और एक कार सेवक है यहाँ पे जी जी। गोली चलने के पहले की फोटो लग रही है मुझे, नहीं नहीं उसी दिन की है, नहीं गोली चलने के ठीक पहले की, नहीं पहले की नहीं, उसी समय की है ये, उसी समय, क्योंकि हमने छत से भी फोटो खींची है, फिर उधर से भी खींची है। ये सब देखिए फोर्सी फोर्स है, और ये 2 नवंबर 1990 हमने लिख रखा, आंसू गैस भी चल रहे हैं, आंसू गैस फायरिंग किया, हाँ आंसू गैस से फायरिंग हुई, जब आंसू गैस से नहीं माने तब गोली चली है। अच्छा, पहले आंसू गैस फायर किया, हाँ हाँ हाँ। फिर ये देखिए कोठारी बंधुओं की तस्वीरें हैं जो कोलकाता के थे, और फिर ये उन्हीं जिन परिवारों की डेड बॉडियां हैं उसको जबरदस्ती अंदर रखा जा रहा है, और इस तरह से उतराई भी गई जी जी, जैसे ये अयोध्या के ही शहीद थे। अच्छा, वासुदेव गुप्ता नाम था, वासुदेव गुप्ता। अच्छा,
तो ये सब तस्वीरें कहाँ से इनपुट मिलता था आपको कि यहाँ यहाँ पे लाश उतराई है, फोन आता? अरे इनपुट क्या है, मैं उस समय उसमें तो फोन उतना होता नहीं था, उससे नहीं होता था, कैमरा तो रहता था, मैं प्रेस का काम करता था तो मुझे सारे पते ही रहते थे कहाँ से क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग इस एज में पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग को इनपुट कहीं से आ जाता है कि इनपुट की बात नहीं थी, ये तो अब चल गया है। पहले तो ये होता था कि आप मौके पे घटनास्थल मौजूद हैं, तो जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं उसको कैद कर रहे हैं, तो मैं अपने आंखों जो देख रहा हूँ कैद कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाता था तो आगे भी घटना जो देखता था आगे उधर कवर करता था, इस तरह से सब। अच्छा, ये एक बार में 36 ही फोटो खींचते होंगे? हाँ, उस समय कितनी रील लेके चलते थे साथ में? उस समय 3-4 हम रखे रहते थे कि कहीं जैसी पड़ जाए तो, ब्लैक एंड वाइट क्योंकि अखबारों में छपती थी और कलर भी रखे रहते थे, तो जैसे भी जो हमको मौका मिलता था हम खींच लेते थे कलर, ब्लैक एंड वाइट सब। ये कोठारी बंधु के माता? हाँ, ये उनके माता पिता। तो ये सब कारसेवकों की हैं, सब घायल हैं। अच्छा, ये आप कह रहे थे भुल्लर, देखिए मैंने बताया था ना कि कारसेवकों का हत्यारा इसमें लिखा हुआ है। वो समय CRPF के यही थे जो उनकी ऑर्डर पे गोलियां चल रही थी। जी जी। अच्छा, इन्होंने ऑर्डर किया? जी। तो इन पे कारसेवक बहुत गुस्से में थे, कहीं मिल जाए तो लाओ इनका भी कुछ जवाब मिले। और ये उस समय के ये पुजारी हैं, पुजारी लाल दास, बाद में इनकी भी हत्या हो गई थी। ये सरयू नदी के पुल है, क्योंकि जूते चप्पल आपको उसमें बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि जब गोली चली थी तमाम कारसेवक यहाँ मौजूद थे, लेकिन जब चलने लगी ही लाठी डंडे गोलियां तो लोग सरयू नदी में कूद गए और काफ़ी लोग उसमें जो है अपने को सही ख़त्म कर दिए। ये इस तरह से इसकी पूरी कहानी है। अरे उस समय फ़ोटो तो खींचते होंगे आप महेंद्र जी, तो मतलब मैं जानता हूँ कि मैंने भी फोटोग्राफी सीखी है, और फोटोग्राफी मैंने फिल्म वाले कैमरे से ही सीखी है सबसे पहले, और फिर मैंने धीरे धीरे डिजिटल पर अपना हाथ साफ किया। तो डेवलप करने में, सुखाने में समय लगता है, एक रील डेवलप करने में आपको 2-3 घंटे 4 घंटे लगते ही थे उस समय? एक जो उम्र थी मेरी वो बहुत उत्साह वाली थी, ऊर्जावान थी, आज भी वही ऊर्जा मेरे अंदर है। मेरे अंदर ना पहले कमी आई आज 30 से 35 पहले, लेकिन मैंने काम किया, और कामना है कि ऊर्जा आपके अंदर हमेशा बनी रहे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो समय क्या था जब रील वील आप जैसे 2 नवंबर को साइट से आए, और फिर कहाँ फोटो वोटो लेकर निगेटिव लेकर कहाँ जाते थे? तो निगेटिव क्या, अपना खुद का हमने डाल रखा था, अपने अपना हम खुद ही ढूंढ लेते थे, बना लेते थे ब्लैक एंड वाइट, हाँ वो सब बना लेते थे, लेकिन चूंकि कलर जो फोटो होती थी तो पहले कलर कहीं जल्दी बनती नहीं थी, तो लखनऊ में जो है कोहली कलर कवर लवर लैब था हजरतगंज में, वहाँ पे तलवार कलर लैब, तो वहाँ पे हम जाके बनवाते थे, तब फिर कलर फोटो जहाँ हम देना चाहते थे पत्रिकाओं में इधर उधर में, या कभी कभी बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ जाएँ तो हम बड़े बड़े अखबारों में भी देते थे, तो वो वहीं से बनती थी, अब ब्लैक एंड वाइट तो तुरंत बन जाती थी। तो कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें हमने कलर फोटो भी मैगजीनों को दिए हैं और पेपरों को दिए हैं। तो मतलब 2 नवंबर को हुआ तो 3 नवंबर को डेवलप करवाते होंगे आप? नहीं यार, 2 नवंबर को हुआ तो 2 नवंबर को ही बना लिए, हाँ, फिर उसको फिर कर देते थे। उस समय फैक्स का ज़माना था, देखिए उस समय फैक्स का ज़माना था, अब ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें जो है फैक्स से ही जाती थी, आपको कागज पे चिपका के उसको, हाँ, तो उसमें चित्र परिचय लिखना पड़ता था कि हाँ ये फैक्स जा रहा था, कभी कभी जो है बहुत साफ नहीं आता था दोबारा भेजिए, तो फिर ऐसे भेजते थे, और कभी कभी जो है माँ काम नहीं करता था तो फिर बाई ट्रेन भेजते थे, यानी कोई ट्रेन जा रही लखनऊ या लखनऊ का अखबार में जाना है, बनारस के अखबार में जाना है, तो उनके गार्ड को दे करके उनको जो भी उस समय हमारे दिमाग में आता था कि 50 रुपये दे दीजिए, और क्योंकि गार्ड को क्या पता है क्यों आपका फ़ोटो लेगा, तो मैं इस तरह से भी दे करके वो फ़ोन कर देता था कि इस ट्रेन से फ़ोटो जा रही है ले लीजिए, तो सुबह हमें वो छपी हुई दिखाई पड़ती थी, मैं उसी से खुश हो जाता था, क्योंकि पैसे कोई बहुत ज़्यादा मिलते नहीं थे, एक फ़ोटो जो है किसी फोटो अखबार में 20 रुपये 25 रुपये 15 रुपये तो इस तरीके से मिलती थी, लेकिन 10-15 अखबारों में उधर बड़ी मैगजीनों में अच्छे पैसे थे, यानी उस समय यानी इंडिया टुडे में यानी अच्छा पैसा मिलता था, यानी 1500 रुपये एक फ़ोटो का उस समय, तो मैं समझता था कि अगर इसी में सारी फ़ोटो छपे तो थोड़ी हमारी जो है समस्याएं जो गरीबी वाली हैं दूर हो जाए, तो चूंकि उसमें वही फ़ोटो छपती थी जो वो सेलेक्ट करते थे, तो बाईलाइन लिखी रहती थी छाया महेंद्र पाठी, मैं उसी खुश हो जाता था, यहाँ पे दैनिक जनमोर्चा था उसमें छपती थी, दैनिक जागरण में छपती थी, दैनिक आज में छपती थी, तो ऐसे तमाम जो है छपती थी, उसके बाद
जिसको ज़रूरत होती थी वो मुझसे मिलता था, मैं देता था। लेकिन 90 गोलीकांड मेरे जीवन के एक ऐसा दृश्य है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। चलिए, तो इस प्रस्तुति को का मकसद ये था कि हम ये दिखा सकें कि काम किन किन एजेस पे जाके किया जाता है। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।